साथियों को लाके और एक रैली करके पूरा तमाशा क्रिएट करके भव्य फायदा हासिल हो पाएगा, हो पाया है मुंबई को या नहीं? तो तमाशा अभी तक तो हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ये चाहते थे कि एयरपोर्ट के अंदर कुछ पकड़ धकड़ के दौरान जो है हमको सहूलत मिल जाए, कि जब सफारतकार होंगे और दूसरा इंटरनेशनल हमला जो होगा लोगों के साथ शख्सियात मौजूद होंगी और वो लोग जो इनके अपने बतवाले साथ आए हैं जो 150 वो लोग भी थोड़ा मुझे दंगा फैलाते हैं, लेकिन इंतजामिया ने जो है वो रवादारी का और सब्र का गुजारा किया और उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल को पैदा नहीं होने देंगे, बल्कि इस मामले में जो है वो पूरे उनका ख्याल रखा जाएगा ताकि वो, क्योंकि वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, अब सजा याफ्ता जरूर है नाहल जुल्फिक के बावजूद एक शख्सियत का नाम है नवाज शरीफ, और वो नवाज शरीफ जो है वो नाहल भी 3 दफा हुए हैं और 3 दफा वजीर आजम भी हुए हैं, ये रिकॉर्ड वजीर आजम है पाकिस्तान की तारीख के, जिनके साथ मतलब इकतदार में जो उसको मिला सबसे ज्यादा और सजा भी सबसे ज्यादा हुई, और अब जो 10 साल की इनको सजा है उसके लिए इनको पेश होना लाजमी था। लोग ये कह रहे थे कि ये पनाह ले लेंगे इंग्लैंड में और ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन हम लोगों ने शुरू दिन से ये बात की कि ऐसा नहीं होगा, जिस जमानत पे गए हैं उन्हें आना पड़ेगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बात सच साबित